अगली खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां एयर टर्मिनल के विस्तार का शिलान्यास करने आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री कड़ी सुरक्षा में होगी। एयरपोर्ट से सभा स्थल और जय विलास पैलेस तक 3000 से ज्यादा जवान व अफसर तैनात किए जा रहे हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था की कमान एडीजी श्रीनिवास और एसएसपी ग्वालियर अमित सांघी ने अपने हाथ में ले रखी है। शहर की सीमाएं सील कर दी गई हैं और पुलिस नॉन स्टॉप चेकिंग कर रही है। शहर में प्रवेश करने वाले हर वाहन की पूरी तरह से तलाशी लेकर ही जवान व अफसर आगे जाने दे रहे हैं। जो भी संदिग्ध दिखाई देता है उसे थाने लाकर पड़ताल की जा रही है। जिन इलाकों से गृह मंत्री का काफिला गुजरेगा उस इलाके में रहने वालों की जानकारी जुटाना शुरू कर दी गई है। हर घर के सदस्यों की संख्या और उनके घरों पर पुलिस नजर रख रही है। एसएसपी अमित सांघी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा के इंतजामों को फाइनल टच किया जा रहा है। सुरक्षा को देखते हुए क्राइम ब्रांच के साथ ही थानों में पदस्थ तेज तर्रार जवानों को सुरक्षा के लिए लगाया गया है। शहर के प्रवेश मार्ग पर स्थित थाना पुलिस को हर आने जाने वालों की जानकारी लेकर ही आने और जाने दे रहे हैं। लगभग शहर में एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल और जय विलास पैलेस तक 3000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया जा रहा है। जवानों को वीवीआईपी रूट पर पड़ने वाले ऊंचे भवनों पर भी तैनात किया जाएगा। हर घर में जाकर पुलिस पड़ताल कर रही है। सभा स्थल को भी पुलिस ने अभेद किले में बदल दिया है। शुक्रवार की सुबह से बीडीएस की टीम में भी मैदान में है और कार्यक्रम स्थल से लेकर उनके आने और जाने वाले मार्गों पर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा एयरपोर्ट स्टेशन बस स्टैंड सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सर्चिंग की है। रात भर होटल और धर्मशालाओं में की सर्चिंग। पुलिस ने रात में सड़क पर चेकिंग के साथ ही होटल और धर्मशालाओं के साथ ही लॉज व अन्य गेस्ट हाउस खंगाले हैं। पुलिस ने वहां पर रहने वालों की जानकारी एकत्रित की है। यहां पर ठहरने वालों से उनके आने का कारण और कब तक यहां पर ठहरेंगे इसकी पूरी जानकारी नोट की गई है। शहर में जो जवान व अधिकारी चेकिंग में लगे हैं उनकी बदली पॉइंट पर ही हो रही है। साथ ही यहां पर उनके रिलीवर के लिए तंबू लगाए गए हैं, जिससे एक टीम यहीं पर आराम करेगी तो दूसरी टीम यहां पर चेकिंग करेगी। इन तंबुओं में 3 पलंग लगाए गए हैं जो कि आधा दर्जन जवानों के लिए पर्याप्त है। एयरपोर्ट से सभा स्थल तक केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम के लिए पुलिस ने रूट पर ट्रैफिक प्लान के साथ ही पार्किंग पर चारों दिशाओं से आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए पार्किंग तय कर दी है, जिससे किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो।